किसी ने ठीक ही कहा है कि शादी जैसे नाजुक रिश्ते को चलाने के लिए पति पत्नी का न केवल आपस में जुड़ना जरूरी है बल्कि उनका एक दूसरे से संतुष्ट होना भी बहुत मायने रखता है। हालांकि मुझे अपनी शादी में दोनों में से कुछ नहीं मिला, मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति का व्यवहार बहुत ही उदासीन था, उसने मुझे कभी भी वैसा महसूस नहीं कराया था जैसा कि मैं चाहती थी। वह न केवल अपने काम में बहुत बिजी रहता था बल्कि उसके पास हमारे रिश्ते के लिए समय ही नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि शादी के बाद से उसने मुझे कभी नहीं छुआ था। वह मुझसे प्यार करने में सबसे कम रुचि लेता था। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी बातों में हमेशा मुझे एक टाल मटोली दिखती थी। मैंने एक बार उसके साथ अतरंग होने की पहल भी की, लेकिन अपना रिश्ता सही करने के सारे प्रयास खराब हो गए। इस घटना ने मुझे बहुत ही निराश किया। हमारी शादी बाहर से शांतिपूर्ण दिखती थी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए गले का फांस बनती जा रही थी। मैं अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहती थी, मैं अपने पति से प्यार करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति हमेशा जानबूझकर जल्दी सो जाता था। एक दिन ऐसा आया कि मैं प्रेमहीन विवाह से एडजस्ट करने लगी। मैंने अपनी शादी से सारी उम्मीदें छोड़ ही चुकी थी कि अचानक मेरी ननद के पति विराज, जो सिंगापुर में रहते थे, सदियों बाद हमसे मिलने आ गए। विराज देखने में बहुत आकर्षक था, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी, वह ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था, उसके पास एक मर्दानगी स्पर्श था। उसने मुझे उसके बारे में इस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि मैं ये अच्छे से जानती थी कि मेरा उसके लिए सोचना काफ़ी गलत था, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं कर सकी। विराज के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही चला गया था। एक दिन मैं उसके लिए चाय लेकर गई तो मैं भी उसके चिपक कर बैठ गई, जिससे उसके अरमान भड़के और मेरे साथ गलत करने को सोचे। और हुआ भी ऐसा, मेरे चिपकते ही उसे एहसास हुआ कि मैं प्यासी हूँ। उसने चाय पीते हुए मुझे चूम लिया और कहा, अगर इजाज़त हो तो इसके आगे का काम करूँ। मैं तो यही चाहती थी कि तुम मुझे संतुष्ट करो, क्योंकि मेरे पति के बस का तो कुछ था नहीं। फिर विराज उठा और कमरे की कुंडी लगाकर मेरे ऊपर लेट गया और पति की कमी पूरी करने लगा।